चाप बनाने जा रहे हैं, तो इसमें जो हम मसाले इस्तेमाल करेंगे, शामिल करेंगे वो दही, हरी मिर्च चॉप की, धनिया पिसा हुआ, सियाह मिर्च, जीरा पिसा हुआ, गरम मसाला, चाट मसाला, पिसी हुई लाल मिर्च, लहसुन, अदरक का पेस्ट और नमक, ये चीज़ें शामिल करेंगे। पहले इसको हम एक ही बर्तन में डाल के इसको सबको एक साथ मिक्स करेंगे। ये सारे मसाले एक साथ हम इसमें डाल लें और इनको फिर लाल मिर्च, चिल्ली पाउडर, अदरक चॉप की हुई, लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च चॉप, नमक और ये दही, सबको सारे मसाले जितने भी उसको एक साथ करते हैं डाल के इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद सब मिक्स हो गया। अभी इसमें हम चापे शामिल करना है, इसके चॉप्स को इसको सबको मिक्स कर रहे हैं और ये मसाला इस पे ताकि इस पर सबसे अच्छी तरह से लग जाए और जज्ब हो जाए। ये सारा मसाला इस पर चाप पे लग गया। इसको हम 2 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। इसको ये देखें, ये मसाला सारा इस पर लग गया है। ये इसको हम 2 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रखते हैं।
मैरिनेट होते सर, अब हम इसमें इसमें शिफ्ट करेंगे। तकरीबन एक प्लस के आपकी अब इसको हम कवर कर देंगे और कुछ देर के लिए इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। बटन का तैयार है, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। अब हम ये मटन चाप को डिश आउट करेंगे। मटन चाप को डिश आउट कर दिए, तैयार है सुबह और इसको टेस्ट करें, खाएं, बड़ा लजीज रहती है। अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।